हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बी आर के स्टडी। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक एम बी आर के स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण उसका रीजन पढ़ने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। गुप्त संधियां। यद्यपि जर्मनी रूस और ऑस्ट्रेलिया में परस्पर संधि हो चुकी थी, किंतु जर्मनी को रूस पर किन्हीं कारणों से विश्वास नहीं हो सकता था। उसने 1879 में ऑस्ट्रिया से एक गुप्त संधि कर ली। 1882 में इटली ने भी जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया से संधि कर ली और इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय गुट का जन्म हुआ। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से रूस और फ्रांस में वैमनस्य बनाए रखा, किंतु 1890 में उसके पतन के साथ रूस और फ्रांस एक दूसरे के निकट आ गए और 1894 में उनका परस्पर समझौता हो गया। इसी समय इंग्लैंड भी अपने एकांतवास की नीति का त्याग कर जर्मनी का अनुसरण करने लगा। उसने भी अन्य राज्यों से समझौता करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। जब उसका जर्मनी से समझौता आसान न रह गया तो उसने 1902 में जापान से, 1904 में फ्रांस से और 1907 में रूस से संधि कर ली और इस प्रकार त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का निर्माण हो गया। इन गुटबंदियों के फलस्वरूप यूरोप का दो गुटों में विभाजन हो गया जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे। इन दोनों गुटों के कारण प्रथम महायुद्ध अवश्य हो गया। प्रोफेक का कथन है कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारण गुप्त संधियों की प्रणाली थी जिसका विकास फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद हुआ था। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को ऐसे दो विरोधी गुटों में बांट दिया जिनमें एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता रहा और जो अपनी सेना और नौसेना की शक्ति बढ़ाते रहे। दूसरा भी रीजन है उपनिवेशवाद का। ओके फ्रेंड्स, यूरोप का प्रत्येक देश विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता का आविर्भाव हुआ। जर्मनी और इंग्लैंड में यह प्रतिद्वंदिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वे विश्व के प्रत्येक कोनों के बाजारों को स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। वे एक दूसरे के विरोध बनते जा रहे थे। वे अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए उपनिवेशों की खोज में थे। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था। सभी देशों में उद्योगों का विकास हो रहा था। तैयार माल की खपत के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। इंग्लैंड एवं जर्मनी उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए अत्यधिक संघर्ष कर रहे थे। इस दिशा में फ्रांस, इटली, रूस आदि देश की प्रयत्नशील थे। अतः उपनिवेश के प्रश्नों को लेकर विरोधी गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तीसरा रीजन था सैनिकवाद। सन 1871 से 1914 का काल यूरोप में घोर सैनिकवाद के विकास का काल था। अतः यह काल इतिहास में सशस्त्र क्रांति का युग कहा जाता है। इस समय दोनों गुटों में अपनी सेना एवं नौसेना बढ़ाने की दौड़ हो रही थी। प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में युद्ध की अनिवार्यता एवं लाभों का प्रचार कर रहा था। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर इंग्लैंड ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि जर्मनी एक जहाज बनाता है तो 6 जहाज बनाएगा। विलियम द्वितीय ने घोषित किया था कि जर्मनी का भविष्य समुद्र पर निर्भर करता है। उसने अपनी सेना के सम्मुख अनेक बार
उत्तेजनात्मक भाषण दिए। इससे अन्य देशों में बहुत चिंता उत्पन्न हो गई। 1904 के बाद नौसेना के निर्माण की प्रतिद्वंदिता का कारण इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच कटुता बढ़ने लगी। जर्मनी के पास 850,000 सैनिक थे, रूस के पास भी शांति काल में 15,00,000 सैनिक थे। उन देशों ने भी सैनिक संगठन पर जोर देना आरंभ कर दिया। प्रत्येक देश में संगठित वर्ग का विकास हो गया, प्रत्येक देश में नौसेना का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रकार सैनिकवाद का वह दौर पर्याप्त सीमा तक प्रथम महायुद्ध के लिए अनिवार्य बन चुकी थी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।